हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिली पनीर। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया 500 ग्राम पनीर, उसको मैंने इस शेप में कट कर लिया स्क्वायर शेप में, और मैंने यहाँ पे लिया 250 ग्राम शिमला मिर्च, उसको भी स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, और यहाँ मैंने टोमेटो लिया है बस एक। अगर आप चाहें तो इसके बदले में रेड शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, और मैंने इसके बीज निकाल दिए, नहीं तो ज़्यादा खट्टा हो जाता, और इसको भी स्क्वायर शेप में कट कर लिया। यहाँ मैंने 4 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, उसको भी मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया ऐसे। इसमें ऐड करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 बॉल ग्रीन चिली सॉस, 1 बॉल रेड चिली सॉस, 1 बॉल टोमेटो सॉस। अगर आपके घर में किसान केचप वगैरह हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे लिया मैंने 1/2 कटोरी, देखो आप, इसमें लिया है सोया सॉस। मसाला में मैंने यहाँ पे लिया है स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 1 बड़े स्पून लहसुन घिसा हुआ, अदरक और 6 हरी मिर्च बीच जैसे कट किया हुआ। और यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटे से दालचीनी को बिल्कुल इतने छोटे पीस में तोड़ लिया है, बहुत छोटे साइज का ही लिया भी था। देखिए हमारा पेन गरम हो चुका है, हम अच्छे से ऑयल को चारों बगल फैला देंगे ताकि पनीर चिपके ना, और सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। देखिए मैंने सारे पनीर को इसमें डाल दिया है, अब इसको आप दोनों साइड से ब्राउन करके पका लो। देखिए हमारा पनीर दोनों साइड से ब्राउन हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी प्रोसीजर से हमें सारा पनीर फ्राई करना है। ये जो हमने पनीर फ्राई किया था, इसी तेल में मैं डालूंगी हरी मिर्ची, दालचीनी, और जब ये 2 सेकेंड पक जाए हमारा, 2 से 4 सेकेंड, फिर मैं ऐड करूंगी अदरक और लहसुन, और इसे पकाना है 7 से 8 सेकेंड। अब इसमें ऐड करेंगे अपना ये कटा हुआ शिमला मिर्च, इसे अच्छे से मिक्स करके और इसे 4 मिनट पकाएं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। देखिए मैंने इसे 5 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना ये कटा हुआ प्याज, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके हमें इन दोनों को पकाना है 2 से 3 मिनट तक ढक के। देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट पका लिया है, अब इसमें ऐड करूंगी अपना टोमेटो, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस, और इन्हें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे हाई फ्लेम पे हम 2 मिनट पकाएंगे ऐसे ही, और बीच बीच में आप इसे हिला दीजिएगा ताकि नीचे से ये चिपके ना। अब इसमें ऐड करेंगे हम रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, और अपना टोमेटो सॉस। इन सबको अच्छे से मिक्स करके, और हमें हाई फ्लेम पे इसे बीच ऐसे हिलाते रहे ताकि नीचे से ये बैठे ना, जमे ना, और इसे पकाते रहना है कम से कम 5 मिनट। देखिए इसमें उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, जब उबाल आना स्टार्ट हो जाए तो इसमें अब हम ऐड करेंगे अपना फ्राई किया हुआ पनीर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। पनीर डाल के मैंने इसको मिला लिया है, अब इसको हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे वापस हाई। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये बारीक, मैंने गुड़ को घिस लिया है, अब इसको मैं 2 चम्मच घी, ये है गुड़, इसको भी इसमें ऐड करके और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 बॉल ग्रेवी ऐड करेंगे, और इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स करके और पकाएंगे 3 से 4 मिनट। देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है, अब हम गैस बंद कर लेंगे। कुछ देर के बाद जब ये ठंडा होगा तो हमारा ये जो ग्रेवी है
ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, इसमें लिपट जाएगा। अब इसका हम प्लेटिंग करेंगे। इसके ऊपर हम ग्रीन धनिया से गार्निश करेंगे। हमारा चिली पनीर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और अपने घर पे भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।